हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको पूर्व बाल्यावस्था के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड कि क्या अर्ली चाइल्डहुड किस एज से स्टार्ट होती है। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था मानी जाती है, और उसके बाद 2 वर्ष की समाप्ति से और 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था मानी जाती है। वैसे तो बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। लेकिन अभी हम बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था के बारे में। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि शैशवावस्था में जो आपने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट में शैशवावस्था के बारे में, कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था होती है, और मेनली जो शारीरिक विकास होता है वो शैशवावस्था में ही तीव्र गति से होता है। लेकिन बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास होता है उसकी गति धीमी हो जाती है, और फिर दोबारा से जो विकास होता है वो किशोरावस्था में फिर से तीव्र गति से होता है। तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में अगर शारीरिक विकास देखा जाए तो जो वृद्धि के नियम अनुसार जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर और निकट से दूर की ओर होता है, और शारीरिक अनुपात में भी जो परिवर्तन देखा गया है, यानी कि जो शैशवावस्था और बाल्यावस्था तक आते आते जो बालकों का शारीरिक अनुपात है, सिर और धड़ का अनुपात है, पैरों की लंबाई, तो जो उसका शारीरिक अनुपात है, बॉडी प्रोपोर्शन है, वो एक तरह से कंप्लीट हो चुका होता है, और जो मांसपेशीय वसा है आगे चलकर किशोरावस्था की जब अवस्था किशोरावस्था आती है तो जो उसमें एथलेटिक्स कौशल होते हैं उसके विकास में सहायक होते हैं। यानी कि जो बाल्यावस्था में बालकों के मांसपेशी वृद्धि और अस्थियों में जो वृद्धि हुई वो आगे चलकर किशोरावस्था में जो क्रियात्मक कौशल होते हैं, एथलेटिक्स कौशल होते हैं, उसके विकास में सहायक होती है। अब बात करते हैं एथलेटिक्स कौशल के विकास। देखिए, एथलेटिक्स कौशल जो होते हैं, जैसे कि जंपिंग है, रनिंग है, थ्रोइंग है, जैसे कि भागना, दौड़ना, कूदना, किसी भी चीज़ को फेंकना, तो ये सब एथलेटिक्स कौशल कहलाते हैं। इन एथलेटिक्स कौशल का विकास बालक और बालिकाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर बच्चों के क्रियात्मक विकास का आकलन किया जाता है। जो भी बच्चों के अंदर कौशल विकास उत्पन्न विकास होते हैं, क्रियात्मक मोटर डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, तो वो आगे चलकर जो बाल्यावस्था में बच्चों के क्रियात्मक कौशल हुए हैं मांसपेशी वृद्धि और अस्थियों के विकास के कारण, वो आगे चलकर उनको जो किशोरावस्था में इन एथलेटिक्स कौशल में विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि जो इन क्रियात्मक कौशलों की परिपक्वता है वो किशोरावस्था तक आते आते उनको एक उनके विकास में जो विकास उनका चौमुखी बहुमुखी विकास होता है उसमें सहायक होते हैं। वजन तथा ऊंचाई में वृद्धि, वजन तथा ऊंचाई की बात करें तो लड़के और लड़कियों के जो अवस्थाएं होती हैं, प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं, उसमें शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है, और जन्म से शारीरिक वृद्धि के क्षेत्र में लड़के लड़कियों की हर आयु में अंतर पाया जाता है। यानी देखिए, प्रारंभिक अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की प्रारंभिक अवस्था हुई, उसमें मैंने भी आपको बताया कि जो शारीरिक विकास होता है वो तीव्र गति से होता है, लेकिन जो अंतर पाया जाता है विकास का वो लड़के और लड़कियों की हर आयु में अंतर पाया जाता है। यानी कि शैशवावस्था में जो लड़के और लड़कियां हैं उनके विकास में अंतर होगा, बाल्यावस्था में भी, तो जो आयु का अंतर है वो लड़के और लड़कियों की शारीरिक वृद्धि के क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे कि बालक की जो शारीरिक वृद्धि का पोषण है, अत्यधिक प्रभाव उस पर पड़ता है। देखिए, शारीरिक वृद्धि के पोषण की बात करें पर पोषण के प्रभाव की बात करें तो कोई भी अवस्था हो, चाहे शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, जो खाद्य जो पर्याप्त पोषण होता है, उत्तम पोषण होता है, आहार एवं पोषण होता है और संतुलित भोजन होता है, वो मुख्य रूप से शारीरिक विकास को प्रभावित करता है।
यदि बालकों को हर अवस्था में पर्याप्त पोषक भोजन नहीं मिलेगा, संतुलित भोजन नहीं मिलेगा, तो वो उसकी शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है। और जब अगर शारीरिक वृद्धि किसी भी बालक की प्रभावित होती है तो वो उसके हर विकास को प्रभावित करती है, जैसे कि मानसिक विकास को, संवेगात्मक विकास को, क्रियात्मक विकास को भी प्रभावित करती है और साथ ही सामाजिक विकास को भी प्रभावित करती है। तो बालक की शारीरिक वृद्धि पर पोषण का अत्यधिक प्रभाव होता है, यानी कि जो शैशवावस्था है अगर वो वृद्धि और विकास की एक तीव्र तेज अवस्था मानी जाती है, तेज गति से होता है, तो अगर बालक के आहार एवं पोषण को वहीं पर्याप्त नहीं दिया जाएगा उसको, तो वहीं से उसकी शारीरिक वृद्धि क्या होगी, विकास की गति की धीमी पड़ जाएगी और आगे चलकर उसकी हर अवस्था पर को वो प्रभावित करेगी। यानी कि जो हर अवस्था में जो विकास होता है, शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, वो उसको हर तरह से प्रभावित करती है। तो बालकों की शारीरिक वृद्धि पर आहार एवं पोषण का भी प्रभाव मुख्य रूप से पड़ता है। जन्म के समय से ही जब देखा जाए लड़के और लड़कियों की किशोरावस्था जो होती है, जन्म से ही अस्थि विकास और मांसपेशी विकास में लड़कियां लड़कियों की अपेक्षा लगभग 4 हफ्ते आगे रहती हैं। यानी कि लड़कियां जो हैं, लड़कियों का जो विकास होता है, अस्थियों का विकास और मांसपेशी विकास, वो लड़कों की अपेक्षा 4 हफ्ते आगे रहता है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था में पूरे समय में ही लड़कियां इस क्षेत्र विकास से में लड़कों से आगे रहती है। यानी कि जो लड़कियों का डेवलपमेंट है मांसपेशियों का और अस्थियों का, वो लड़कों से आगे रहता है। यही आयु अंतर पाया जाता है जो भी हमने बात की थी। अब लड़कियों में किशोरावस्था की वृद्धि का स्फुरण भी लड़कों की अपेक्षा शीघ्र शुरू होता है, कि लड़कियों में जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है और किशोरावस्था की जो का प्रारंभ होता है, जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, वो लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा जल्दी होते हैं। और देखा जाए तो परिपक्वता भी लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा जल्दी आती है। और लड़कों में जो मांसपेशियों में वृद्धि, अस्थियों का विकास और उनके हृदय और फेफड़ों में जो वृद्धि होती है, वो लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा जल्दी होती है। और साथ ही रक्त में भी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन वहन करने की मात्रा बढ़ जाती है। उनके रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का घनत्व भी बढ़ता है और साथ ही ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता भी प्राप्त होती है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो लड़कियों में जो मैच्योरिटी, जो परिपक्वता है, वो पहले आती है लड़कों से। और लड़कों की मांसपेशी वृद्धि और रक्त में जो ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता है, वो लड़कियों से जल्दी होती है, वृद्धि ज़्यादा मात्रा में होती है। इसी कारण से किशोरावस्था के बाद बालकों में शक्ति तथा गति संबंधी शारीरिक जो क्रियाओं की योग्यता होती है, वो लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि जो लड़कों का मांसपेशी विकास है, अस्थि विकास है, वो लड़कियों की तुलना में जल्दी होता है, अधिक होता है। तो इसी कारण से जो बाल्यावस्था में जो ये मांसपेशी विकास है, अस्थि विकास है, वो किशोरावस्था में आगे चलकर उनको एथलेटिक्स कौशल, जो भी हमने बताया था कि बच्चों का, बालकों का, किशोरों का भागना, दौड़ना, भारी वजन उठाना, लड़ने की जो क्षमता होती है, वो लड़कियों से ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका मांसपेशीय विकास और अस्थि विकास लड़कियों की अपेक्षा तेज गति से, तीव्र गति से होता है। लड़कियों की त्वचा के नीचे चर्बी का जमाव लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि इसी कारण कि जो स्किन के नीचे एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है, जो लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है। इसी कारण से लड़कियों की जो त्वचा होती है, वो लड़कों की तुलना में बहुत अधिक मुलायम दिखाई देती है। तो गर्ल्स, आज हमने बात की थी कि बालकों का पूर्व बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं के शारीरिक विकास के बारे में। देखिए, शारीरिक विकास के अभी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे लेक्चर लेके आऊँगी आपके लिए। तो शारीरिक विकास से क्या अर्थ हुआ कि जो पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास है, वो मुख्य रूप से तो बच्चों आहार एवं पोषण पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा बालक और बालिकाओं को पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे, आहार मिलेगा, संतुलित आहार मिलेगा, उतना ही बालक और बालिकाओं का शारीरिक विकास तीव्र गति से होगा। देखिए, शारीरिक विकास क्योंकि प्रभावित करता है और अन्य विकासों को भी,
तो इसलिए मुख्य रूप से इस अवस्था में, क्योंकि बालकों की जो हमने बालकों की जो ये आयु है पूर्व बाल्य अवस्था, इसको विद्यालय अवस्था भी कहा जाता है, स्कूल गोइंग एज भी कहा जाता है। तो स्कूल गोइंग एज होने के कारण बालक इसमें अपने परिवार से निकलकर नए दूसरे बच्चों के संपर्क में आता है, शिक्षकों के संपर्क में आता है, जिससे उसका जो सामाजिक विकास है वो भी बढ़ता है, सामाजिक दायरा उसका बढ़ता है, सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होता है। लेकिन सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए, उसका विकास अच्छा रखने के लिए बच्चे के शारीरिक विकास की ओर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होता है, अन्यथा शारीरिक विकास अगर बच्चे का रुक जाएगा तो वो उसको हर क्षेत्र में प्रभावित करेगा, अन्य और विकास के क्षेत्रों में भी वो उसको प्रभावित करेगा। तो गर्ल्स, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ आपके। टेक केयर, थैंक यू।